मम्मी मम्मी मकर संक्रांति वो लड्डू बनाओगी क्या तिल के? हाँ हाँ बनाऊंगी, चलो अभी जल्दी जल्दी चलो, लेट हो रहा है, चलो जल्दी जल्दी पैर चलाओ, लेट हो रहा है। अरे जल्दी चलो 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 राजू जल्दी अभी चलो। हाँ चलो। मम्मी मम्मी आज मेरे सारे दोस्त पतंग उड़ाने वाले और लोग ने मुझे भी बुलाया है, आप मेरे लिए पतंग दिलाओगी ना मुझे? हाँ मैं आज जल्दी काम से आऊंगी, फिर शाम को साथ में जाएंगे पतंग खरीदने, ठीक है? अभी जल्दी जल्दी चलो, लेट हो रहा है, मालकिन चिल्लाएंगी। क्यों आपकी मालकिन अच्छी नहीं है? अरे अच्छी है लेकिन हम गरीब है ना, तो क्यों गरीब इंसान नहीं होते? होते हैं लेकिन हमारी किस्मत ही ऐसी लिखी गई है। क्यों अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो भगवान हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों करते हैं? और हम सारे बच्चों को क्यों नहीं अमीर बना सकते? चल सवाल मत पूछ, जल्दी जल्दी चल। आगे से समय पे आऊंगी। अरे यार त्योहार के दिन तो टाइम पे आना चाहिए ना, इतना सारा काम पड़ा है। अच्छा मेम साहब मैं ये राजू को लेके आ गई, उसके पापा घर पे नहीं है ना इसलिए। हाँ हाँ ठीक है चल अभी काम पे लग जा। राजू देख यहाँ पे बैठ जा, कोई शरारत नहीं करना ठीक है, और कुछ छूना वूना नहीं, मैं फटाफट काम करके आती हूँ, बैठे रहना यहाँ। देखो पापा ने मुझे एक नई पतंग दिलाई, ये ना एकदम मस्त है। हाँ अनु अच्छी तो है बट संभाल के उड़ाना है। हाँ मम्मा मैं नीचे नीचे ही उड़ाऊंगी, ज्यादा ऊपर नहीं उड़ाऊंगी। ठीक है मम्मा, वैसे बहुत जोरों वाली भूख लगी है, मैं जना तिल के लड्डू बनाया दो ना। अरे मैंने तिल के ही नहीं बहुत तरह के लड्डू बनाए, तो मैंने ना लेके आए, मैं हाथ धो के आए। अरे राजू, अरे राजू इधर आओ ना। नहीं नहीं मार्किन चिल्लाएगी। अरे नहीं चिल्लाएगी, तुम इधर आओ। अरे क्या हुआ क्या हुआ? अरे यार आओ ना, इतना डर क्यों रहे हो? ये खाना है तुम्हें? नहीं मार्किन चिल्लाएगी। नहीं चिल्लाएगी, खाओ। नहीं नहीं। अरे खाओ ना, मुझे देखा है तुम्हें भूख लगी, उधर से देख रहे हो तुम। अनु क्या कर रही हो तुम, इस गरीब को अपने बाजू में बैठाई हो सोफा पे? अरे मम्मा मेरे दोस्त है राजू। हाँ हाँ बस अब इस गरीब के साथ ही तो दोस्ती करना बाकी रह गया है, तुम्हारे दोस्त क्या सोचेंगे? अरे अरे आप मालकिन आप दीदी को मत डांटो। अरे तू चुप कर। राजू दीदी हमारे साथ लोग ऐसा क्यों करते हैं?
क्या हम इंसान नहीं है? भगवान हमारे साथ भेदभाव क्यों करता है? हम भगवान के बच्चे नहीं है क्या? हम गरीब और अमीर में बस इतना फर्क है राजू कि गरीबों के पास पैसा नहीं होता, अमीरों के पास पैसा होता है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो उनकी है जिनको गरीबों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती। सब एक तरह के नहीं होते राजू, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। अपमान करना किसी का स्वभाव हो सकता है, लेकिन सम्मान करना किसी का संस्कार होता है। दीदी मैं प्रॉमिस करता हूँ, बड़े होकर बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा और सारी गरीबों को मदद करूंगा। वेरी गुड राजू। हाँ बेटा, मैं मुझे माफ़ कर देना बेटा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। इंसान पैसों से अमीर नहीं होता, बल्कि उनका दिल बड़ा होना चाहिए। मेरी आंखों में अमीरी का पर्दा पड़ गया था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं भूल ही गई कि कभी मैं भी गरीब हुआ करती थी। मैडम मैडम, 20 की दो पतंगे हैं, बहुत ही कलरफुल है। नहीं चाहिए मुझे। बहुत कलरफुल है। अरे नहीं चाहिए, मैं आपसे ले लूंगी। अरे अच्छा बैठ, गरीब मुझे तुझसे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए पापा, चल हट। देखना एक दिन मैं बहुत अमीर बनूंगी और अमीर गरीब का भेदभाव हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं मानती ना, आप माफी मत मांगो। मैं भी पहले तुम्हारे तरह प्रॉमिस किया था, लेकिन मैंने तोड़ दिया। तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। हाँ मम्मा, हमें जब भी मौका मिले हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। आज भी हम काला गोरा अमीर गरीब जाति पाति का भेदभाव करते हैं। आखिर क्यों? क्या इनको समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं? अगर हम इनका सम्मान नहीं कर सकते तो इनका अपमान भी करने का कोई हक नहीं हमें। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हैप्पी मकर संक्रांति।